यहां पर आपको बताएं, बुशरा बीबी का ये केस है। बुशरा बीबी को आपने कैद तन्हाई में रखा, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुलहसन के बड़े रिमार्क सामने आ चुके हैं, चाहते हैं कि केस में अब मसीह ताखिर ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को बरीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाप्त हुई, जिसमे जस्टिस मियां गुल ने रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी को आपने कैद तन्हाई में रखा है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जिस पर जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाप्त की। साबिक खातून अव्वल की जानिब से वकील उस्मान रियाज गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाप्त पर तहरीरी दलाइल तलब करते हुए कहा कि चाहते हैं कि इस केस में अब मसीह ताखिर ना हो। असिस्टेंट कौंसिल ने अदालत से एक हफ्ते का वक्त मांगा। असिस्टेंट कौंसिल की वक्त की सजा मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की समाप्त अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। इससे कबल असिस्टेंट कौंसिल ने मौकिफ अपनाया कि सब जेल से मुतलिक देख रहे हैं कि कोई चीज गैर कानूनी तो नहीं, कुछ वक्त चाहिए। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा कि चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है, आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। अदालत ने कहा कि इस केस में एक रिट और 6 मुतफरिक दरख्वास्तें आई हुई हैं। चीफ जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने असिस्टेंट कौंसिल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है। अदालत ने कहा कि आप अभी भी बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करवाना चाह रहे हैं, जिस पर वकील उस्मान रियाजगिल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करवाना चाहते हैं।